हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का प्लान ये है कि आज लगाने वाले हैं अपना ट्यूशन का बैनर। 10 प्लेस है, 10 जगह लगाना है, 10 प्लेस पे लगाना है और 100 जगह आपको दिखाना है कहाँ कहाँ पे हम लगाएंगे। तो वहाँ सब जगह आपको लेके चलते हैं गाइस। और गाइस, चलते हैं वहाँ और 10 गो लगाते हैं, 10 जगह बैनर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चलिए पहला जगह लगाते हैं और पहला लोकेशन आपको दिखाते हैं कि वो कौन सा जगह होगा और कहाँ लगाने वाले हैं। ओके गाइस, तो चलिए मिलते हैं रोड। फर्स्ट बैनर लग रहा है और दिखाते हैं इसका पहला लुक कैसा होगा, वो भी आपको दिखाते हैं। तो गाइस, ये रहा पहला लुक। एस कोचिंग, मतलब समीर कोचिंग क्लासेस, बैंक, रेलवे, SSC, डिफेंस में SSC, GT, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एयर स्टेट और 6 to 12 क्लास है। और आप जैक देख लें और CBSE है, आईकॉम बीकॉम है, बाय समीर सर, मतलब खुद। अब जोरों शोरों से काम चल रहा है बैनर लगाने के लिए। और गाइस, मॉर्निंग के टाइम है, लगभग 8 बज रहा है और ये रहा आपका सनराइट, जो आपको दिखेगा नहीं, दिखाते हैं। टान के मारिए ना, हो जाएगा वहीं पे, टान के मारिए। हाँ, तो गाइस फर्स्ट बैनर लग चुका है यहाँ पे। और यहाँ का एड्रेस क्या है जी, थोड़ा एड्रेस बता दें यहाँ का। ये आपके एरिया सेक्टर 5 धोबी मोहल्ला हो गया, जो नियर पाले पुल का सामने पड़ता है और ये हनुमान मंदिर के जस्ट सामने है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको पूरा धोबी मोहल्ला पड़ जाता है। अब यहाँ से निकलते हैं और दूसरा लगाएंगे। और पहला लग चुका है, दूसरा, दूसरा लोकेशन पर चलते हैं और दूसरा बैनर लगाएंगे। तो गाइज, यहाँ पे दूसरा लग चुका है और यहाँ का एड्रेस तो सुल्तान नगर करबला रोड के सामने है। ये मेरा कोचिंग से मात्र 200 मीटर दूर है ये दूसरा डेस्टिनेशन और वहाँ पे मिलते हैं। क्या बोलते हैं, FF07। तो गाइज, थर्ड लोकेशन के पास पहुँच चुके हैं और ये लोकेशन यहाँ पे देंगे। ये आज़ाद नगर गली नंबर 1 है गाइज और ये बैनर लगने वाला है यहाँ पे। तो गली नंबर फर्स्ट में देंगे। और ये है मेरा थर्ड लोकेशन, जो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो गाइस, ये थर्ड वाला लग चुका है आज़ाद नगर गली नंबर 3 में। तो ये रहा, अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे और देखते हैं। ये तीसरा है, ये तीसरा बैनर लग चुका है, चौथा लगाने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं अंसारी मोहल्ला के पास जगह मिलता है तो वहाँ लगाएंगे और वहीं चलते हैं। आइए। तो गाइस, अभी हम लोग जुड़ाड़ी मोड़ पर है और हम लोग अभी कांटी की तलाश में निकले हैं और हमारे मोहल्ला में कहीं भी कांटी नहीं मिला है, जिसके कारण हमें जुड़ाड़ी मोड़ तरफ आना पड़ा है। तो चलते हैं आगे, आपको और दिखाते हैं नज़ारा, जब तक आप ये नज़ारा का मजा ले सकते। और यहाँ धीरे धीरे भीड़ भी बढ़ रही है पर हमें अभी भी दुकान नहीं मिला है, अभी भी दुकान की तलाश में है। तो इस 3 बैनर लगाने के बाद काटी खत्म हो चुका है और काटी में बोलते बोलते परेशान हो गए और काटी में बोलते बोलते आ गए जुड़ाड़ी मोड़। और ये रहा रामलीला स्कूल, यहाँ पे अक्सर लोग पढ़ा करते हैं और अभी पढ़ते हैं। तो चलते हैं काटी की तलाश में और आगे। तो गाइस, तो हम रिटर्न फिर चल रहे हैं अपने मोहल्ले की तरफ। 2 पैकेट दिए ना, हाँ नहीं, बहुत परेशान किया, इसी के वजह से हम लोग घूम रहे थे। अब इसको लेकर के सीधा चलते हैं बैनर को लगाने। फाइनली हमें मिल गया और हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये देख सकते हैं चार थाना का प्रभारी का गाड़ी है और हम अब चल रहे हैं बिहार गली तरफ, जो मुस्लिम मोहल्ला में पड़ता है। मुस्लिम मोहल्ला आपके चास में, चास बोकारो में, बोकारो झारखंड में और झारखंड भारत, भारत में और भारत इंडिया में और इंडिया पृथ्वी में, और पृथ्वी हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। वायुमंडल हमारे यूनिवर्स में पाया जाता है, यूनिवर्स हमारे बड़े यूनिवर्स में पाया जाता है। तो ओके गाइस, चलते हैं।
तो गाइज यहाँ पे आए हुए हैं चौथा नंबर का बैनर लगवाने के लिए मस्जिद के पास। ये रहा प्यारा सा अपना मस्जिद, देख सकते हैं है। ये जामा मस्जिद है गाइज, आपको दिख रहा होगा जामा मस्जिद, तो यहाँ पे देख ले जामा मस्जिद चास बोकारो। और यहाँ पे बैनर लग रहा है, ये चौथा नंबर वाला बैनर है और पांचवा छठा अभी लगाना बाकी है। अभी 10 बैनर है गाइज, तो 10 को लगाना अभी है। तो गाइज देख रहे हैं सीढ़ी उड़ी मिल चुका, क्योंकि यहाँ के एक भैया है वो दे दिए सीढ़ी, और यहाँ बैनर लगा रहे हैं। तो गाइज 5 नंबर वाला बैनर है, मतलब 5-4 जगह लग चुका है, ये 5 है, तो इसको लगाते हैं क्योंकि बहुत मुश्किल से ये काटे मिला सला। इसको खोजने के चक्कर में हम लोग कम से कम 5 किलोमीटर घूम लिए, मिला नहीं क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था तो मिल नहीं रहा था, इसके वजह से खोजना पड़ा। तो ये रहा छठा बैनर लग रहा है यहाँ पे रावल विहार कैफे के सामने। तो यहाँ पे फॉर्म भराया जा सकता है इनके यहाँ, इनको देख लीजिए। तो यहाँ पे देख ले, सातवां नंबर का बैनर लग रहा है, देख ले। और 3 पीस और बचा हुआ है, वो 3 पीस भी लगाना है। तो गाइस ये सातवां भी लग चुका है, अब दूसरा प्लेस देखते हैं और दूसरा जगह लगाते हैं। ओके तो गाइस ये है 8वां नंबर का, कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे 8वां नंबर का। और गाइस दो बैनर और बचा हुआ है, अब देखते हैं कौन सा लोकेशन मिलता है, वहीं पर जा करके उसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से निकलते हैं फिलहाल, चलो। तो गाइस 9वां नंबर जो है वो लग रहा है, 9वां नंबर ये लग रहा है, अब इसको देख लें। ये भी है मस्जिद के पास, ये नूरी मस्जिद के पास है गाइस, देख ले कितना प्यारा मस्जिद है अपना, और इसका ये मीनार है देख रहे हैं, और इसका भी देख लीजिए गुंबद दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ से चलते हैं क्योंकि एक बचा हुआ है, वो शायद गौस नगर में लगाने के लिए सोच रहे हैं। तो गाइस ये रहा 10वां नंबर वाला, ठीक है इसको लगवा लिए हैं और ये फाइनल हो चुका है। तो फाइनली गाइस हो चुका है पूरा कंप्लीट, सारा चीज़ डन हो चुका है। आप आना चाहे तो आ जाए, ये मेरा एड्रेस देख लें, एड्रेस से फोकस कर लें, ये एड्रेस है अपना। तो आए और आकर के आप चेक करके डेमो क्लास ले सकते हैं, तो जितना जल्दी आ सकते हैं। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, और ब्लॉग पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दो, मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग के, तब तक के लिए बाय।